लड़कियां ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती थी, बट चूंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और ये भी लगता है कि डर लगता है कि कैसे स्टार्ट करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से लाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निता अल्ताफ है, मैं शोपियान से बिलोंग करती हूँ। मैंने रिसेंटली एक शीप यूनिट एस्टैब्लिश किया है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। मुझे पता चला कि होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर एक सब्सिडी मिलती है जिसमें 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम एक शीप यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे। रिगार्डिंग द आइडिया टू एस्टैब्लिश शीप यूनिट, इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि गवर्नमेंट इन एक्सक्लूडिंग सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है बाकी सेक्टर्स को, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें ये शीप हस्बेंड्री भी आता है, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। दूसरा रीज़न मेरा ये था कि बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में, उसको इराडिकेट तो नहीं कर सकते हैं बट रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम बाकी सेक्टर्स की तरफ भी ध्यान दें। तीसरा रीज़न ये है कि हमारी जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत ही ज़्यादा मीट कंजप्शन करती है। एनुअली हमारा मीट कंजप्शन जो है वो 600 लाख किलोग्राम्स है और उसमें से हम लोकली सिर्फ 50% ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, और बाकी जो है एनुअल हमारा जो खर्चा होता है जो हम मीट इंपोर्ट करते हैं वो 1400 करोड़ है उसका नेट है। तो इसीलिए ताकि हम लोकली सेल्फ सफिशिएंट रहे एटलीस्ट मीट प्रोडक्शन में, इसीलिए मुझे ये आइडिया आया। तो और चूँकि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी हो सकता है। ये जो शीप हस्बेंड्री है या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, ये डेफिनेटली लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था, तो लड़कियां ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती थी, बट चूंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और ये भी लगता है कि डर लगता है कि कैसे स्टार्ट करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से लाए, इतना सारा पैसा कहाँ से लाया, तो मैं बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट फाइनेंशियली कर रही है और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हम इसमें ना मीट प्रोडक्शन ही नहीं, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा और भी अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, जैसे वूल प्रोडक्शन है, हम लोग वूल में भी इसमें जा सकते हैं और बहुत सारी मिल्स है, फैक्ट्रीज है, उनको भी इस्टेब्लिश करने में हेल्प हो सकती है इससे। और क्योंकि वूलन क्लोथ ज़्यादा कश्मीर में ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे 6 मंथ्स विंटर होता है, 6 मंथ्स से समर होता है, यहाँ पे ज़्यादा वूलन क्लोथ्स का यूज़ होता है, अगर हम इसी से करेंगे तो ये हमें वूल फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने भी हेल्प करेगी। हम सेल्फ सफिशिएंट सिर्फ मीट प्रोडक्शन में नहीं, टेक्सटाइल में भी बन सकते हैं। राइट नाउ मेरा एक छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट है, छोटा सा यूनिट है, जिसमें मैं खुद एम्प्लॉयमेंट इस टाइम जनरेट कर पाती हूँ, अपने लिए ही नहीं, मेरे पास 4 और लेबर्स है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत ही एक अच्छा बिजनेस है, फ्यूचर में ना कि सिर्फ मटन प्रोडक्शन में बल्कि हम वूल इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि कश्मीर में इस टाइम पे है ही नहीं कोई, अगर है भी कोई तो वो डिफंक्ट है। तो फ्यूचर इसका बहुत ही अच्छा है, हम वूल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो हमें इवेंचुअली टेक्सटाइल्स में भी हेल्प करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करने में भी।